स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक पिता, जैसा कि दूसरा राजाओं अध्याय 2 उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है, वो चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। मेरे प्रियो, जब एलिशा ने एलिया को स्वर्ग में जाते हुए देखा तो उसने ये नहीं कहा कि हाय मेरा मसा, हाय मेरा मसा, बल्कि उसने कहा कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। तो क्या एलिया उसका पिता था? नहीं, बल्कि वो उसका पास्टर था, उसका अगुआ था। तो फिर एलिशा ने अपने पास्टर को पिता क्यों कहा? मेरे प्रियो, मसीह में सब आत्मिक पिता नहीं बन सकते। आत्मिक पिता बनना एक बुलाहट है। जो इस बात को स्वीकार नहीं करता वो कभी भी आत्मिक पिता नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास ये अधिकार नहीं है। मान लो कि अगर अपने अगुए को पिता कहना गलत होता तो क्या एलिशा के ऊपर मसा की चादर उतरती? कभी नहीं, क्योंकि उस समय परमेश्वर कहता कि एलिशा ने एक व्यक्ति को पिता बोला है, अब मैं एलिशा को अपना मसा नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि पौलुस एक अच्छा आत्मिक पिता था। उसने तिमोथियस को कहा कि मेरे बेटे, सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तेरा पिता हुआ, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि जो भविष्यवाणियाँ तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। मूर्ख है वो लोग जिन्हें अगुए की जरूरत नहीं है या फिर उनका अपमान करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो अपने जीवन में कितना बड़ा श्राप बो रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो पुराने नियम में भी एक सा था और आज नए नियम में भी वैसा ही है। इसलिए आज आपको ये पता होना चाहिए कि मसीह में हर एक व्यक्ति की बुलाहट अलग अलग है। ये परमेश्वर का चुनाव है जो परमेश्वर ही करता है, और जो व्यक्ति उस चुनाव को पकड़ लेता है और उसमें सिद्ध बन जाता है तो फिर उसको कोई भी हटा नहीं पाता। क्या आप अपने चुनाव में सिद्ध हैं? क्या आपने उसको पकड़ा हुआ है? आप क्या सोचते हैं कि बिना मूल्य अदा किए या बिना प्रार्थना किए आप मसीह को पकड़ पाएंगे? ये मायने नहीं करता कि आपकी प्रार्थना कितनी है और परमेश्वर के साथ आपका कैसा संबंध है, आप उसके साथ कैसे चलते हैं। जब आप एलिशा की तरह लोगों को छोड़कर अपने अगुए की बात मानेंगे और उसके पीछे चलेंगे, तभी परमेश्वर आपके जीवन में उस मसीह को उंडेल सकता है जो आपको सिर्फ आशीषित ही नहीं करेगा बल्कि आपको सामर्थ्य से भी भरेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह एलिशा अंत तक अपने अगुए के अधीन बना रहा, उसी तरह परमेश्वर मैं भी सदा अपने अगुए के अधीन रहूं और आपके मसा से भरकर आपके कामों को करूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।